योग निरोग कार्यक्रम में आज हम जानेंगे कि योग के द्वारा मधुमेह रोग का उपचार कैसे संभव है। डायबिटीज एक चयापचय का रोग है। जब पाचन प्रणाली में दोष आता है तब यह रोग शरीर में प्रवेश करता है। इसे मीठे का रोग भी हम कह सकते हैं। हमारे शरीर में जब हम भोजन करते हैं तो भोजन पचने के बाद भोजन में जो मीठा होता है, जिसको कार्बोहाइड्रेट के रूप में आप जानते हैं, मीठा जब भोजन पचने के बाद रस के रूप में आंतों के द्वारा अवशोषित करके लीवर को भेज दिया जाता है और लीवर उसे रक्त में धकेल देता है। इसे जब रक्त में पहुंचने के बाद, शरीर की कोशिकाओं में जाने के बाद, वहाँ पर एक हार्मोन्स होता है जिसे इंसुलिन कहा जाता है। इंसुलिन इसे ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। जब किसी कारण से यह इंसुलिन हार्मोन पूरी मात्रा में शरीर की ज़रूरत के अनुसार नहीं होता तो ये रोग आता है। इंसुलिन हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसे अग्नाशय कहा जाता है, पेनक्रियाज कहा जाता है, उसके बीटा सेल्स के द्वारा इसे स्रवित किया जाता है। किसी भी कारण से जब यह ग्रंथि ठीक से कार्य नहीं करती या कम कार्य करती है तो इंसुलिन की गुणवत्ता और मात्रा में कमी आ जाती है। और भोजन के रस में जो मीठे की मात्रा होती है उसका पूरा शरीर उपयोग नहीं कर पाता, अर्थात ऊर्जा में उसे नहीं बदल पाता, जिसके दो प्रभाव शरीर में होते हैं। नंबर एक, शरीर को ऊर्जा नहीं मिली। नंबर दो, रक्त में घूमने वाले मीठे की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में जो मीठा अधिक मात्रा में बढ़ता है तो शरीर के भिन्न भिन्न भागों में जाकर के वहाँ भी शरीर को नुकसान पहुँचाने लगता है। जिनको शुगर की बीमारी होती है साइमल्टेनियसली वो बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम में भी फंसने लगते हैं दीर्घकाल में। डायबिटीज को दो हिस्सों में बांट करके देखा जाता है। डायबिटीज ए, इसे बच्चों की डायबिटीज भी कहा जाता है, और डायबिटीज बी। डायबिटीज ए जो होती है उसमें आपकी ग्रंथि किसी भी कारण से पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है, इसीलिए इसे इंसुलिन बेस्ड डायबिटीज भी कहा जाता है। अर्थात रोगी को इंसुलिन लेना ही पड़ता है बाहर से। लेकिन डायबिटीज बी, जिसके अधिकांशतः यही रोग व्यक्तियों में पाए जाते हैं, रोगियों में पाए जाते हैं, और जिसका इलाज भी संभव है, डायबिटीज बी उसे कहते हैं, जो कि दिनचर्या या चयापचय प्रणाली का रोग कहलाता है। इसे वैसे तो प्रौढ़ अवस्था की बीमारी भी कहा जाता है, जो कि 40 साल के बाद आनी चाहिए, लेकिन आजकल यह थ्योरी भी फेल हो चुकी है। मेरे हाथ में ये एक न्यूज़पेपर है, आप देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि एक 18 साल से कम उम्र के बच्चा, 16 साल की उम्र थी, उसको इसी वर्ष अभी डेंगू का बुखार हुआ और उसे अस्पताल में ले जाया गया। उसकी जब शुगर टेस्ट हुई तो 400 शुगर उसकी मिली और डॉक्टर ने बताया कि उसको टाइप बी या टाइप 2 डायबिटीज़ है। उसको तुरंत इंसुलिन पर ले जाया गया। अब आयु की कोई सीमा ही नहीं रही। अब इस समय आज का ये जो पेपर मेरे हाथ में अभी इस वक्त है, जो पेपर में खबर छपी है, जिसमें कि ये बताया गया है कि इंडिया में 6.5 करोड़ डायबिटीज़ के पेशेंट इस वक्त हैं और उसका 10% लगभग 65 लोग 18 वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चे आज डायबिटीज़ के शिकार बन चुके हैं। डायबिटीज़ की बीमारी के कई प्रकार के लक्षण सामने उभर करके आने लगते हैं। जैसे उसे बार बार भूख लग सकती है, बार बार प्यास लग सकती है, बार बार पेशाब जाने की इच्छा करती है, पिंडलियों में दर्द होना, पैरों में जलन होना, शरीर में अगर कहीं फोड़ा फुंसी हो जाए तो वो आसानी से ठीक होकर के नहीं देता, शरीर में थकान होने लगती है, काम करने की क्षमता गिर जाती है, कई बार गुर्दे का दोष भी शरीर में आते हुए देखा जाता है। जैसे कि आप कहिए कि क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ जाएगा, यूरिया का स्तर शरीर में बढ़ सकता है, ये लक्षण इस बीमारी के सामने आने लगते हैं।
आप देखेंगे कि जैसे समाज में बदलाव आया है, लोगों का लाइफस्टाइल बदल गया है, आज हम आधुनिकता की तरफ जा चुके हैं, समाज में खाने पीने का के तौर तरीके बदल चुके हैं, तो आज ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पहले जब हम बच्चे थे तो हमने कभी डायबिटीज़ का नाम नहीं सुना था, आज कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसने इस बीमारी का नाम ना सुना हो। इसका सबसे मुख्य कारण अगर है तो वो है बदली हुई दिनचर्या, जीवन जो तरीका हमारा, हम मीठा अधिक जब सेवन करते हैं तो भी ये बीमारी हो सकती है, बढ़ती हुई आयु के साथ भी शरीर में बीमारी आती है। अगर जिन यदि हमें टेंशन ज़्यादा बनती है, जिनको तनाव ज़्यादा बनता है, उनको इस बीमारी के आने की संभावना होती है। ये माता पिता से वंशानुगत रूप में भी शरीर के अंदर ट्रांसफ़र होती है। टाइप 2 डिसीज़ जो है ये माता पिता से आ जाती है। जिस शरीर में मोटापा ज़्यादा होगा उनको भी इस बीमारी के होने की संभावना ज़्यादा बनती है। मधुमेह के अगर शरीर में आ जाता है तो इससे और कई बीमारियां आ सकती हैं, जैसे कि आपको बीपी की शिकायत हो सकती है, हृदय की रोग की समस्या आ सकती है। यह बीमारी आँखों के ऊपर भी अपना असर डालती है, मस्तिष्क के ऊपर भी ये अपना असर डालती है, गुर्दों के ऊपर ये अपना असर डालती है और पैरों के ऊपर खास तौर पर ये अपना प्रभाव छोड़ती है, जिसके दोष शरीर के अंदर इस बीमारी के कारण आ सकते हैं। मधुमेह का रोग लाइफस्टाइल गलत होने की वजह से शरीर में आता है। अगर हम योग के बारे में कहें तो योग व्यक्ति के लाइफस्टाइल को बढ़िया बनाता है, और जब हम जीवन में योग का आचरण करने लगते हैं, योग हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, तो आप देखेंगे कि व्यक्ति का लाइफस्टाइल स्वतः ही बढ़िया हो जाता है। क्योंकि योग करने वाला व्यक्ति सुबह जल्दी सोएगा, शाम का भोजन जल्दी करेगा, रात को जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, योगाभ्यास करेगा, तो उसको योगाभ्यास करने से इस रोग से मुक्ति बहुत आसानी से मिल सकती है। मैं अगर अपने निजी अनुभव के आधार पर कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि अगर योग को जीवन में उतार लिया जाए, भोजन को ठीक कर लिया जाए, दिनचर्या की न्यूनताओं को ठीक कर लिया जाए, तो टाइप 2 डिसीज़ को काबू में करना, उस पर नियंत्रण करना काफ़ी सीमा तक संभव है। इसमें त्रिकोण आसन है, चानुसिर आसन है, मंडूक आसन है, पवन मुक्त आसन है, अर्धमत्स्येंद्र आसन है। ये ऐसे आसन हैं जो कि हमारे पाचक अंगों की मसाज करते हैं, उनके सक्रियता के स्तर को बढ़ाते हैं। जब वो सक्रिय हो जाते हैं तो उनसे जो पाचक रस निकलने चाहिए उनकी गुणवत्ता में भी और उनकी मात्रा में भी सुधार होता है। जब इन रसों की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार होता है तो यह बीमारी स्वतः ही धीरे धीरे ठीक होने लगती है। आज हम वे आसन आपको हमारे शिक्षक करके दिखाएंगे जिनसे कि मधुमेह का रोग नियंत्रित हो सकता है, उसका उपचार संभव है। मधुमेह के रोग को ठीक करने के लिए हम त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों में कंधों से अधिक फासला कर लें, बाजू शरीर के साथ सटी हुई, उंगलियां आपस में मिली हुई, रीढ़ गर्दन सीधी, श्वास भरते हुए दाएं भुजा को धीरे धीरे ऊपर की ओर इस प्रकार लाएं कि अंत में भुजा कान के साथ सट जाए, हथेली का रुख बाईं ओर। श्वास बाहर निकालते हुए बाईं ओर बगल से इस प्रकार झुकें कि ऊपर की भुजा कान के साथ सटी रहे। यहां पर पैनक्रियाज पर दबाव बनता है और लीवर पर खिंचाव बनता है, दोनों के ही दोष ठीक होते हैं। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा करें,
सीधा होने पर ऊपर की भुजा ऊपर, नीचे की ओर नीचे खींचें। दाएं भुजा को बगल से धीरे धीरे वापस लाएं। इसी आसन को विपरीत दिशा से दोहराया जाएगा। श्वास भरते हुए बाएं भुजा को धीरे धीरे ऊपर की ओर इस प्रकार उठाएं कि अंत में भुजा कान के साथ सट जाए और हथेली का रुख दाईं ओर हो। श्वास बाहर निकालते हुए दाईं ओर बगल से इस प्रकार झुकें कि बाएं भुजा कान के साथ सटी रहे। यहां पर लीवर पर दबाव और पैनक्रियाज पर खिंचाव बनता है। दोनों महत्वपूर्ण अंग एक बार सिकुड़ते हैं और एक बार फैलते हैं, इससे उनके काम करने की क्षमता में सुधार होता है। मधुमेह के रोगियों के लिए यह आसन बहुत लाभकारी है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे शरीर को सीधा करें। अंत में ऊपर की भुजा को ऊपर, नीचे वाली को नीचे खींचें। अब श्वास बाहर निकालते हुए बाईं भुजा को बगल से धीरे धीरे वापस लाएं। अपने आसन पर बैठकर विश्राम करें। मंडूकासन डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत लाभकारी है। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, दोनों मुट्ठियों की मूल अंगूठे की ओर से नाभि के दाएं बाएं रख दें। श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर की ओर खींचें, श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं। मुठियां जितनी अंदर की ओर धसेंगी आप देखेंगे कि उतने ही पाचक अंगों पर अधिक प्रभाव आएगा। अंत में श्वास सामान्य करके रुकना है हमें। यहां पर श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथों को घुटनों पर रख दें, श्वासों को सामान्य कर लें। पवन मुक्त आसन। पेट के रोगों को ठीक करने के लिए पवन मुक्त आसन बहुत प्रभावकारी है और मधुमेह के रोगियों को इसका अभ्यास नियमित तौर पर करना चाहिए। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिनी टांग को मोड़ें, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए अंगूठे के पास घुटने के पास रखते हुए श्वास भरकर पेट वाले भाग पर जंघा को रगाते हुए दबाएं। श्वास बाहर निकालते हुए माथे को घुटने से लगा दें। बाएं पैर का पंजा तना रहे बाहर की तरफ। श्वास भरते हुए गर्दन को वापस लाएं, श्वास निकालते हुए टांग को सीधा कर दें। बाईं टांग को मोड़ें, दोनों हाथों से इंटरलॉक, श्वास भरें, जंघा वाले भाग को पेट पर रखते हुए दबाएं। श्वास बाहर निकालते हुए माथे को घुटने से लगा दें। सीधी पैर के पंजे को बाहर की ओर खींच दें। धीरे धीरे वापस। श्वास भरते हुए गर्दन, श्वास निकालते हुए टांग को सीधा करें।
जानू सिरासन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दाई टांग मोड़ें, तलवे को बाई ओर इस प्रकार रखें कि एड़ी दाई जंघा मूल से स्पर्श कर जाए और तलवा जंघा के साथ सट जाए। बाएं पैर के पंजे को बाहर की ओर तान दें, दोनों हाथ सीधे वाले घुटने पर। श्वास भरते हुए दोनों बाजुओं को धीरे धीरे ऊपर की ओर ताने, बाजू कानों के साथ सट जाएं, हथेलियों का रुख आगे की ओर, कमर से शरीर को ऊपर की ओर खींचें। श्वास बाहर निकालते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर इस प्रकार झुकें कि आपकी दोनों हथेलियां पंजों से आगे निकल जाएं। अब दोनों हाथों की पहली दो उंगलियों और अंगूठे से छल्ला बनाते हुए अंगूठे को पकड़ें, कोहनियां धरती पर, माथा घुटने से थोड़ा आगे सीधी टांग पर लगा दें। श्वास सामान्य। यहां पर पेट के अंदर के जितने भी अंग हैं वे सभी प्रभाव में आते हैं, जिसमें मुख्य प्रभाव पैनक्रियाज और लीवर के ऊपर आता है, जो कि मधुमेह की बीमारी के लिए बहुत लाभकारी है। दोनों बाजुओं को सीधा करें, उसी प्रकार श्वास भरते हुए बाजुओं को कान के साथ सटाते हुए धीरे धीरे वापिस आएं। एक बार दोनों बाजुओं को ऊपर की ओर ताने, पश्चात बगल से दोनों बाजुओं को वापिस ले आए। दोनों टांगें सीधी, हथेलियां कमर के पीछे धरती पर रखकर हल्का सा विश्राम कर लें, पैरों में हल्का सुविधाजनक फासला। यही क्रिया हम दूसरी ओर से दोहराएंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, बाएं टांग को मोड़ते हुए बाएं पैर की एड़ी को दाई जंघा मूल से स्पर्श करवा दें, तलवे को दाई जंघा के साथ सटा दें, दाएं घुटने के ऊपर दोनों हथेलियां रखें, कमर वाले भाग को सीधा करें, श्वास भरते हुए दोनों बाजुओं को तानते हुए ऊपर की ओर लाएं, बाजू कानों के साथ सट जाएं, हथेलियों का रुख आगे की ओर, श्वास बाहर निकालते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर इस प्रकार झुकें कि दोनों हथेलियां कलाई तक का भाग पंजों से आगे निकल जाए। दाएं पैर के अंगूठे से को इस प्रकार पकड़ें कि उंगली और अंगूठे से हाथ के एक छल्ला बन जाए। दोनों कोहनियों को धरती पर रखें, माथे वाले भाग को घुटने से थोड़ा आगे स्पर्श करा दें। श्वासों को सामान्य करें। यह आसन लीवर और पैनक्रियाज के दोषों को ठीक कर पाचन प्रणाली को सुदृढ़ करता है। दोनों बाजुओं को उसी प्रकार से फिर सीधा करें, श्वास भरते हुए बाजू कानों के साथ सटाते हुए धीरे धीरे कमर वाले भाग से शरीर को सीधा करें, दोनों बाजुओं को ऊपर की ओर खींचें, बगल से दोनों बाजू धीरे धीरे वापस लाकर विश्राम की स्थिति में बैठें। प्राणायाम डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि प्राणायाम के अभ्यास से हमारे पाचक अंगों को
प्राणिक ऊर्जा सही अनुपात में मिलने लगती है और वही प्राणिक ऊर्जा हमारे इन अवयवों से जो रस की आवश्यकता होती है शरीर को, उनको स्रवित करने में सहयोगी होते हैं। कपालभाति प्राणायाम और अग्निसार क्रिया, ये दो प्राणायाम तो हमारे मधुमेह के रोग को ठीक करने में बहुत सहयोगी हैं। आज हमारे शिक्षक आपको कपालभाति प्राणायाम करके दिखाएंगे। अब हम कपालभाति प्राणायाम के लिए पहले पद्मासन में चलेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दाएं टांग को मोड़ते हुए एड़ी को बाईं ओर पेड़ों में स्थित कर दें। बाईं टांग को मोड़ते हुए बाएं पैर की एड़ी को दाईं ओर पेड़ों में स्थित कर दें। कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम में कफ दोष तो ठीक होते ही हैं, यदि इसका अभ्यास नियमित रूप से किया जाए तो यह मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत लाभकारी प्राणायाम है। दोनों हथेलियों को पलट घुटनों पर रखें, मूलबंध लगाएं, गुदा मूल के आसपास की मांसपेशियों का संकोचन कर उसे ऊपर की ओर खींच देना मूलबंध कहलाता है। धीरे धीरे श्वास को कंठ तक भर लें, पश्चात शक्ति से श्वास को बाहर फेंकना प्रारंभ करें। कपालभाति प्राणायाम की साधक को प्रारंभिक अवस्था में लगभग 20 से 25 आवृत्ति करके विश्राम करना चाहिए। कुछ देर विश्राम करने के बाद 30 सेकंड, 45 सेकंड फिर दोबारा से इसे आरंभ करना चाहिए। उसी प्रकार से मूलबंध लगाएं, श्वास भरें और फिर शक्ति से प्राणायाम को दोहराएं। इस प्राणायाम में बार बार डायफ्राम ऊपर नीचे ऊपर नीचे जब होता है तो इससे पैनक्रियाज और लीवर की मसाज लगातार होती रहती है। पूरा श्वास बाहर निकाल करके उड़ियान बंद का अभ्यास किया जाता है। बाह्य कुंभक में नाभि मूल को रीढ़ की ओर खींच देना उड़ियान बंद कहलाता है। पश्चात जालंधर बंद भी लगा लिया जाता है। थोड़ी को कंठकूप में लगा देना जालंधर बंद कहलाता है। क्षमतानुसार रुकने पर जालंधर बंद खोलें, गर्दन को सीधा करें, पेट की मांसपेशियों को ढीला कर दें, श्वास पूरा भरें, फिर दोबारा से त्रिबंध लगा लें। जितने समय बाह्य कुंभक का अभ्यास किया गया उसके आधे समय तक आंतरिक कुंभक का अभ्यास करें। मधुमेह के रोगी के लिए कुंभक और बंधों का अभ्यास अति लाभकारी है। बहुत धीरे धीरे वापिस आएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें, श्वास सामान्य करें और अपनी मानसिक स्थिति का अवलोकन करते जाएं। इसमें दो आसन ऐसे आए हैं जिसमें कि जानुसिर आसन और मंडूक आसन। जानुसिर आसन ऐसे व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए जिनको लंबर में पेन रहता हो, रीढ़ के निचले हिस्से में अगर दर्द रहता है
यदि वो ये आसन करते हैं तो दर्द कम होने की बजाय बढ़ने की संभावना हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि योगाभ्यास भी हमें निपुण योग शिक्षक के निरीक्षण में ही करना चाहिए। मंडूक आसन करते समय इस बात का ध्यान रखना है, जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, नीज के कार्टिलेज डैमेज हो चुके हैं, उनको ये आसन नहीं करना है। आप ये पाएंगे कि जहाँ आसन और प्राणायाम मधुमेह के रोग को नियंत्रित करने में सहयोगी हैं, ध्यान और योग निद्रा का भी इस रोग को कंट्रोल करने में बहुत अधिक प्रभाव है। इस रोग में तनाव अपनी एक विशेष भूमिका निभाता है। जिन लोगों को तनाव ज़्यादा बनता है, आप कभी पाएंगे कि उनके शुगर का स्तर एकदम कहीं से कहीं बढ़ जाता है। और ध्यान जब हम करते हैं तो एक मानसिक संतुलन बनता है शरीर का, मन शांत होता है, चित्त एकाग्र होता है। जब साधक या वह रोगी ध्यान की अवस्था में अपने भीतर की यात्रा करता है तो स्वतः ही तनाव खत्म होने से इस ग्रंथि के काम करने की क्षमता बढ़ती है और धीरे धीरे इस रोग के ऊपर भी अपना नियंत्रण होने लगता है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हम ये सुझाव देंगे कि सबसे पहले उसको अपने आटे की तरफ देखना है। अगर वो बाज़ार से खरीदे हुए आटे की चपाती खाता है तो समझिए कि वो जहर खा रहा है। उसे आटा अपना स्वयं बनवाना चाहिए। 10 किलो आटे में 1 किलो चना, 1 किलो जौ, 12 किलो आटा, गोल और मोटा आटा बिना छने हुए चोकर सहित उस आटे की चपाती लेनी चाहिए। शाम का भोजन जल्दी खाए, सब्जियां उबली हुई ले। कुछ अन्य बातों के अंतर्गत आप देखें तो उसे रात को लगभग 4 से 5 ग्राम मेथी दाना भिगोना चाहिए और सुबह उसे खाली पेट ले लें तो उसे इसमें काफ़ी फायदा होने वाला है। हम यह भी कर सकते हैं कि 1 करेला, 1 खीरा, 1 टमाटर, इसका रस निकाल करके वह दिन में 1 बार उसका सेवन कर लें। प्रातः के समय ज़्यादा प्रभावकारी होगा। या वो आधा कप करेले का जूस प्रतिदिन ले लें, या वो 5 पत्ते तुलसी के और 5 पत्ते नीम के प्रतिदिन सुबह चबाए तो इसका फायदा होगा। अमरूद है, जामुन है, खट्टा सेब है, इन फलों का सेवन भी डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत लाभकारी है। डायबिटीज़ 2 का अर्थ ही ये है कि ये क्योरेबल है, लेकिन जब तक रोगी अपने लाइफस्टाइल को नहीं बदलेगा, योगाभ्यास नहीं करेगा, अपनी सोच में परिवर्तन नहीं करेगा, लाइफ में संतुलन बना करके नहीं चलेगा, तब तक भले उसको थोड़ा फायदा हो जाए, बीमारी पर कंट्रोल नहीं होगा। बीमारी एक्यूट हो चुकी है तो उसको कंट्रोल कर पाएगा। अगर सामान्य स्तर तक पहुंची है, जितनी बातें बतलाई अगर उसको जीवन में उतारेगा तो वो पाएगा कि वो बिना दवाई के सामान्य और सुंदर जीवन जी सकता है।